के दिन और आज सुबह शाम से वो सिर्फ एजमेट के साथ। तो अभी हो रही है संडे की सुबह और आज मैं बनाने लगा हूँ अपने लिए खुद ब्रेकफास्ट। ये है मेरे पास बनानास और मैं बनाने लगा हूँ अपने ब्रेकफास्ट में फ्रेंच टोस्ट बनाने लगा हूँ, वो भी बनाना वाले नहीं। तो चलो अभी मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मिक्स करना क्या है। तो अभी सबसे पहले मैंने बनानास को रख दिया है नीचे और गाइस अभी मैं तो पहले डालता हूँ दूध। अभी मैं पहले डाल देता हूँ दूध डालता हूँ। तो गाइस अभी मैंने डाल दिया डेढ़ में दूध और अब मैं डालती हूँ थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस। इसे मैंने कर दिया है। अभी मैंने थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस मैंने ना ऐड कर दिया गाइस, ये देखिए। और अब मैं इसे ना अच्छे से रखकर ना मिक्सिंग कर लेता हूँ। अब मिक्सिंग करने के बाद मैं डालता हूँ थोड़ी सी शुगर। ये गाइस हम शुगर और अभी मैं डालता हूँ इसके अंदर शुगर। गाइस ये मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दिया, अब इसे मिक्स करते हैं। तो गाइस शुगर को वक्त तक मिक्स करना है जब तक ये पूरे अच्छे तरीके से दूध में मिक्स ना हो जाए। तो ये गाइस एक मिनट, मैं अभी मिक्सिंग कर रहा हूँ, मिक्सिंग करता जा रहा हूँ। अभी थोड़ी सी और शुगर ना हम ऐड करते हैं। तो गाइस मेरा हो गया है दूध में शुगर हो गई है डिसॉल्व अच्छे से। तो गाइस अभी मैं डालता हूँ एक एग। एग को हम करेंगे गाइस ये छोटी ले रहा यार गाइस। तो गाइस अभी मैंने डाल दिया इसके अंदर एग। तो अभी हम इसे मिक्सिंग करते हैं। तो गाइस अभी करते हैं हम बीटिंग। तो गाइस अभी मैंने भी बहुत ही अच्छे से इसे मिक्सिंग करूंगा मैं ताकि थोड़ा सा भी अनानास स्पॉट ना रहना नहीं चाहिए। तो गाइस अभी मैंने मिक्स कर दिया है, अब मैं करता हूँ बनाना को इसके अंदर मैश। तो हमें बनाना को मैश करने से पहले बनाना के छोटे छोटे ना पीसेस हमने डाल दिए हैं। छोटे छोटे ना पीसेस करने हैं। चलो तो गाइस मेरा हो गया है बैटर डन। तो गाइस अभी मुझे इसके अंदर डिप करनी पड़ेगी ब्रेड। तो गाइस अभी मैं ब्रेड को करता हूँ कट। चलो भाई कट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर मेरे पास मैंने नाइफ ले ली है। तो गाइस अभी मैं करता हूँ इसे कट। मेरा हो गया है कटिंग। अब मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ और एक और करता हूँ और अपना लास्ट वाला ना कर लेता हूँ। तो गाइस अभी मैंने कर लिया सारे पीसेस को इस तरीके से कट। ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। तो गाइस अभी
मैं इसे करता हूँ इसके अंदर डिप ब्रेड को, और यहाँ पर हमने डाल दिया है जी ऑयल। बस यहाँ पर ऑयल डालना है, यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं। तो गाइस अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं और देखते हैं जी कैसे हुआ रहे। वाओ गाइस ये देखिए। चले तो गाइस यहाँ पर दूसरी साइड भी हो गई है, अब निकालते हैं इसको, डिश आउट करते हैं। चलें तो गाइस ये देखिए हमारे गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट। चले तो गाइस यहाँ पर हमने डाल दिया जी सेकंड बैच, इसमें डाले हैं हमने दो तबके, इसलिए डाले हैं दो, जल्दी जल्दी हो जाए। चलें तो गाइस यहाँ पर कुछ हो चुके हैं फ्रेंच टोस्ट फ्राई, और आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। कुछ गाइस हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ हो रहे हैं, और यहाँ पर साथ बन रहे हैं जी हमारा वेजिटेबल पुलाव। तो ये देखिए गाइस कितना टेम्प लग रहा है। तो चलिए ये है था जी संडे का मॉर्निंग रूटीन, जो कि बहुत मज़े का था। तो आगे आप कुछ शेयर करते हैं और मज़ीद वीडियो। बाद बन गए हैं फ्रेंच टोस्ट। तो आज क्या ख्याल आया था सुबह सुबह संडे में एबी को किचन में आने का? गाइस वैसे तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं आया था। तो गाइस थोड़ा सा मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट होने लग गया। चल तो टेस्ट करके गाइस को बताइए, मैं पकड़ती हूँ प्लेट। गाइस मैं सबसे पहले तो थैंक यू जीसस करें, थैंक यू जीसस करके बनाना खाऊंगा। चलें जल्दी चल, थैंक यू गॉड। चलो मुझे आगे बनाना खा रहा। चलो 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 और अब बाइट लेते हैं फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट अच्छा बना था क्योंकि मैंने जो बनाया। चले तो गाइस यहाँ पर एबी करने लगी है जी अपना संडे ब्रेकफास्ट एंजॉय। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिए, बहुत मेहनत से एबी ने बनाया है। तो गाइस को ज़रा बोल दे जल्दी से चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करें। ओके डाडा बाय बाय। तो एक नई वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए। ओके डाडा बाय बाय।